हिमांशु, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल द किंग ऑफ गोस्तो। नूडल मेकिंग पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आज हम रिजल्ट देखेंगे जो हमने नूडल मेकिंग पार्ट 1 में बनाया था। अगर आपने अभी तक वो नहीं सीखा है तो ऊपर आई बटन को रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करके उसे सीख सकते हैं। वैसे तो आज की वीडियो में मैं आपको हाका नूडल बनाना सिखाऊंगा। वैसे तो सबकी एक ही प्रॉब्लम होती है कि जब हम कुक करते हैं तो हमारे नूडल्स आपस में चिपक जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा विद कुकिंग टिप्स हाउ टू मेक बेस्ट हाका नूडल। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर से हिट कर लें ताकि मेरी सारी नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हाका नूडल बनाना। सबसे पहले हम लोग पानी को बॉयल पे रख देते हैं नूडल बॉयल करने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं और ऑलिव ऑयल ऐड कर देते हैं, या तो कुकिंग ऑयल ऐड कर दें आप, ये ज़रूर करें क्योंकि इससे नूडल्स आपस में चिपकते नहीं हैं। और इसे एक बॉयल आने तक इसे छोड़ देते हैं, तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो ये हमारा रिजल्ट है जो हमने नूडल डो मेकिंग पार्ट 1 में बनाया था। तो देखिए एकदम लग रहा है ना मार्केट वाला नूडल। तो चलिए इसे हम बॉयल कर लेते हैं। एक बॉयल आ जाने पे हम इसे ऐड करेंगे पॉट में। तो एक बॉयल आ गया है, इसे हम पॉट में ऐड कर देते हैं नूडल्स को। ध्यान रहे जब भी आप नूडल्स को बॉयल करें तो नूडल्स के 3x वाटर होना चाहिए, कम से कम 3 गुना ज़्यादा अमाउंट में पानी होना चाहिए। नहीं तो कम अमाउंट में आप पानी में बॉयल करेंगे नूडल्स को तो वो आपस में चिपकने लगते हैं। और हमेशा प्लेंटी ऑफ वाटर होना चाहिए, कंपलसरी है। तो इसे एक बॉयल आने देते हैं, 90-95% इसे कुक करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं। अब हम हाका नूडल बनाने वेजिटेबल्स को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो हम पैन में अराउंड 2 टेबल स्पून ऑयल ले लेते हैं और इसमें हम गार्लिक ऐड करते हैं थोड़े से चॉप किए हुए, और थोड़े से चॉप किए हुए यहाँ पर जिंजर मैं ऐड कर रहा हूँ। वैसे जल्दी से टॉस कर लेते हैं। ध्यान रहे जब भी आप इसे करें हाई फ्लेम पे करें। अब इसमें स्लाइस किए हुए मैं प्याज डाल देता हूँ और इसे जल्दी से टॉस कर लेता हूँ। और थोड़े से कैरेट भी मैं यहाँ पे डालता हूँ और कैप्सिकम भी डाल के इसे जल्दी से इसे टॉस कर लेते हैं। जब भी आप चाइनीज़ डिश नूडल्स बनाएँ तो हमेशा जो है इसे हाई फ्लेम पर ही बनाएँ, तभी वो फ्लेवर और वो टेक्स्चर आपको मिलेगा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाला। तो इसे हाई फ्लेम पे जब भी आप करें तो इसे इसी तरह से करें। अब मैं इसमें थोड़े से स्लाइस किए हुए कैबेज डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं रेड बेल पेपर यूज़ कर रहा हूँ, थोड़े से टेक्सचर के लिए अच्छा दिखता है। इसे अभी अच्छे से डाल के टॉस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए जब भी हम वेजिटेबल्स को इस तरह से नूडल्स के लिए फ्राई करते हैं तो वेजिटेबल्स में से एक्सेस वाटर रिलीज होता है, तो वो हमें ड्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक सूखेगा नहीं तब तक नूडल्स का टेस्ट नहीं आता है। तो अब इसमें हम टमाटर स्लाइस किए हुए डाल देते हैं और यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ और थोड़े से ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगा और वाइट पेपर पाउडर ऐड करूँगा थोड़े से। ऐसे डाल के हम अच्छे से टॉस कर लेते हैं। ध्यान दें जब भी ये गरम गरम कर रहे हैं तो और कोई काम ना करें, पहले वेजिटेबल्स को इसी तरह फ्राई कर लें जल्दी से। तो इस तरह से हम इसे टॉस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और ध्यान दें नीचे से पकड़े ना इसे, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो इसे नॉनस्टिक में करें। अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस है कुकिंग में तो इसे लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, उससे फ्लेवर और अच्छा होगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर ऐड कर रहा हूँ, इसे डाल के भी मैं अच्छे से टॉस कर लेता हूँ। तो लीजिए ये हो गए हैं। अब मैं इसमें 95% कुक नूडल्स ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे नूडल्स डाल दें और इस समय मीडियम फ्लेम कर दें थोड़ा सा। इसमें मैं थोड़ा सा विनेगर, टमाटो केचप और यहाँ पे डार्क सोया सॉस का यूज़ करूँगा टेक्सचर देने के लिए। तो इसे हम जल्दी से अच्छे से टॉस कर लेते हैं नूडल्स को भी, ताकि ये नूडल्स जो है चिपके ना। अगर आप जल्दी जल्दी टॉस नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी फोक के हेल्प से, स्पून के हेल्प से इस तरह से टॉस कर सकते हैं। ध्यान दें इस समय भी आपका फ्लेम हाई होना चाहिए, कुकिंग ऑल टाइम में आपका फ्लेम हाई होगा तभी नूडल्स जो हैं मार्केट वाले रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल बनेंगे। तो लीजिए ये तैयार हैं, मुश्किल से 1 से 2 मिनट तक टॉस कर लें और हमारे हाका नूडल्स तैयार हैं। एंजॉय करते हैं हमारे हाका नूडल्स।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा है आपको हाका नूडल की रेसिपी और टिप समझ आई होगी। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें और भी नूडल और पास्ता रेसिपी सीखने के लिए जुड़े रहें लेकिन दोस्तों के साथ।